सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। मैं रितेश कुमार सिंह वर्णा इंक्लेव में रहता हूँ सेंट्रल जेल रोड पे। ये हमारे सामने भीमनगर में एक रोड जा रही है जहाँ सामने काफ़ी पुरानी बस्तियाँ हैं, बहुत पहले से लोग रह रहे हैं यहाँ पे। हमने 2 महीने पहले भी कंप्लेन की थी, रोड जाम करनी पड़ी मजबूरी में क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया, जबकि ये रोड बनाने के लिए सीवर रिपेयरिंग के लिए हमें पूरा आश्वासन दिया गया था, पुलिस ने भी दिया था, नगर पालिका ने भी दिया था, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक कुछ भी नहीं किया। आते हैं कचरा साफ करते हैं, केवल पाइप का थोड़ा सा साफ होता है, पानी निकलता चले आते हैं, बोलते हैं हो गया, जबकि पाइप अंदर से बहुत बुरी तरह से डैमेज है, टूटा हुआ है, जाम पड़ा हुआ है। तो आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने फिर से यहाँ पे जाम किया, तो अपनी मांगों को रखा और इतनी सारी मांगें बताई, पुलिस भी आई थी वहाँ पे। हाँ, दीनदयाल पांडे जी आए थे यहाँ पे, हो गया, उन्होंने बोला है कि चौक इंचार्ज है वो यहाँ के, उन्होंने बोला है कि मैं बात करके और आपके साथ खुद चलता हूँ नगर पालिका, रिटर्न में कंप्लेन दीजिए, पहले भी दी थी हमने, कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, और अभी भी बोल रहे हैं वो। तो उनके कहने पे लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो हम लोग समझते हैं दिक्कत हो रही है, इसलिए हमने रास्ता खाली कर दिया। लेकिन आप बताइए कि रास्ता खाली करने के बाद भी जो अंदर रह रहे हैं, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया डरी हुई है, हर स्कूल में छुट्टी हो गई है, लेकिन आप ये बताइए जो घर है, लोगों को बोलते हैं घर में रहो, इन घरों में कोरोना कौन रोक लेगा? क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि आप आइए, हम चल के कार्रवाई करते हैं। अब लिखित कार्रवाई 2 महीने पहले, 2 महीने पहले ही मिला था और आज भी मिला है। लिखित कार्रवाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कैसे होती है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है। सीवर का पानी अगर ये तुरंत ये नहीं हुआ तो मजबूरी में ये रोड हम लोग खोद देंगे, जिला प्रशासन के इस रोड पे हम लोग ऐसा बैरिकेडिंग लगा देंगे जो उनको बुलडोजर लगाने पे भी हटेगा नहीं। अगर जिला प्रशासन और नगर, मैं ये कहता हूँ कि जो भी जिम्मेदार है उनको सामने आके बोलना चाहिए, बयान देना चाहिए कि क्यों देर हो रही है, ऐसी क्या कमी है, पैसे नहीं है, आदमी नहीं है, काम करने का टाइम नहीं मिल रहा उनको, पूरे बनारस में घूम रहे हैं कोरोना के लिए लोग फेंकते हुए कि आज ही कोरोना के लिए हम लोग एंटीवायरस छिड़क रहे हैं, दवाइयाँ छिड़क रहे हैं, वैक्सीन दे रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं वो लोग? अपनी जो नाले की गंदगी है वो या कहीं किसी के मोहल्ले में किसी के घर में फेंक रहे हैं, और बाहर यहाँ सफाई है, स्कूल बंद कर दिए, स्कूल में सबसे सफाई होती है। ये नाले का पानी हम उनके ऑफिस में डाल दें, नगर पालिका के ऑफिस में हम लोग अगली बार टैंकर भर के लेके डालेंगे, पूरा वहाँ डाल देंगे, तो कोरोना बचेगा? विकास भवन में डाल देंगे, बचेगा? बर्दाश्त करेंगे वो लोग? अगर वो नहीं करेंगे तो हम क्यों करें? हमारे पैसे, हमारे टैक्स से उन लोगों को पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है, और हमारा ही काम नहीं होगा तो फिर हम आखिर क्या करेंगे? सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।